शंकर भगवान तो क्रोध के देवता हैं, रुद्र हैं, क्रोधी हैं, और आंखें बंद कर कर बैठे रहते हैं। तुम्हें शंकर जी को जल चढ़ाने से क्या फायदा? कई कई लोगों ने तो उनका गलत विचार भी करा कि शिवलिंग पे तो जल ही नहीं चढ़ना चाहिए, शंकर भगवान पे तो जल ही नहीं चढ़ना चाहिए। कई लोगों ने ऐसा भ्रम भी फैला रखा। एक माँ बैठी हुई है, कोई, मेरा नाम लक्ष्मी गोकुल चंद तिवारी, मैं अकोला की रहने वाली हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मेरा नाम लक्ष्मी गोकुल चंद तिवारी, मैं अकोला की रहने वाली हूँ, आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्य। एक बार वापिस हाथ हिला दो। मैं अकोला की रहने वाली हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। 11 मार्च 2024 को अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। पहले बुखार आया, फिर धीरे धीरे शरीर और खराब होता चला गया, फेफड़े भी खराब होना चालू हो गए, डबल निमोनिया हो गया, तबीयत बहुत बिगड़ गई, मुझे आईसीयू में ले जाकर डाल दिया गया। डॉक्टरों ने कहा 48 घंटे हम देखेंगे, कोई जवाब नहीं दे रहा था। तब हमें इतना भरोसा नहीं था, परिवार वालों को भी इतना विश्वास नहीं था, क्या रुद्राक्ष का जल सारी समस्या का हल हो सकता है, या शिवजी पे चढ़ाया हुआ जल क्या हमारे जीवन में रोगों से मुक्ति दे सकता है। तब मेरे परिवार के लोगों ने एक बेलपत्र लाकर मेरे पलंग के पास तकिए के नीचे रख दी, और भगवान शिव पर चढ़ाया हुआ जल मुझे लाकर देना चालू करा, और रुद्राक्ष का जल मुझे देना चालू करा। जो डॉक्टर कह रहे थे कि इनका ठीक होना कठिन है, बाबा की कृपा से दूसरे दिन ही मुझे आराम लगना प्रारंभ हुआ। आज मैं बाबा की कृपा से ठीक हूं, और बाबा को नमन करने के लिए। ये शिव तत्व है, बैठिए बहन, हर हर महादेव, बैठिए। ये शिव तत्व है।